नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या नाड़ी ज्योतिष में दूसरी और तीसरी पत्नी के लिए अलग से कोई कारक ग्रह होता है क्या? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भृगु नंदी नाड़ी में प्रत्येक विषय, वस्तु और संबंध के लिए कोई न कोई कारक ग्रह अवश्य होता है। पुरुष कुंडलियों में शुक्र अर्थात वीनस पत्नी का स्वाभाविक कारक होता है, परंतु आज के समय में जब तलाक और दूसरे तीसरे विवाह का चलन बढ़ा है, ऐसे में जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन से ग्रह दूसरी और तीसरी पत्नी को डिनोट करते हैं। देखिए, पहली पत्नी को शुक्र ग्रह से देखेंगे, दूसरी पत्नी को बुध ग्रह से देखेंगे और तीसरी पत्नी को चंद्रमा से देखेंगे। अर्थात पहली शुक्र से, दूसरी बुध से और तीसरी चंद्रमा से। अर्थात अगर कोई व्यक्ति दूसरे विवाह करने जा रहा है और उसका बुध पीड़ित है, खराब है, तो उसे दूसरी पत्नी के साथ समस्याएं हो सकती हैं। और हाँ, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्र ग्रह पहली पत्नी के अलावा पति पत्नी के बीच संबंधों को भी दिखाता है, या पति पत्नी के बीच की जो इंटीमेसी होती है उसको इंडिकेट करता है। इसलिए शुक्र को प्रत्येक विवाह के लिए देखेंगे, इसकी उपयोगिता सदा रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।